और क्या देश में टूट रही है कोरोना की चेन? क्या वैक्सीनेशन के बाद हट जाएंगे सारे बैन? चीन पर एक बार फिर क्यों लग रहे हैं कोरोना तबाही के आंकड़े छिपाने के आरोप? कोरोना महामारी और वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं टॉप 9 वैक्सीन अपडेट। भारत में कोरोना का असर सबसे कम है। भारत में एक्टिव केसों की बात करें तो देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर सक्रिय मामले दुनिया में सबसे कम है। जहां दुनिया का औसत प्रति 10 लाख पर 8,438 है, जबकि भारत का औसत 6,988 है। वहीं अमेरिका का यह औसत 42,873 है। फ्रांस में 34,345, ब्राजील में 30,739 है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलेगी या नहीं, इस पर 2 हफ्ते के अंदर फैसला हो सकता है। लोगों को टीके की 2 खुराक देने के बाद जो नतीजे आए हैं उसके रिजल्ट दिखाकर एस्ट्राजेनेका ने भारत सरकार से मंजूरी मांगी है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन 2 खुराक देने के बाद 62% असरदार पाई गई है। वहीं आधी खुराक के बाद ये 90% असरदार बताई गई है। आधी खुराक ब्रिटेन में गलती से दी गई थी, लेकिन भारत में इसका ट्रायल फुल डोज के साथ ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगाते ही लोग बिना मास्क घूमने के लिए आजाद होंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज के बाद भी प्रोटेक्शन बनने में 4 हफ्ते का वक्त लगता है। ऐसे में तुरंत मास्क नहीं हटेगा। एक्सपर्ट्स के माने तो करीब 1 साल के जंग के बाद ही कोरोना फ्री सोसाइटी के बारे में सोचा जा सकता है। ब्रिटेन आज से फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन के साथ टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है। वैक्सीनेशन अभियान में ब्रिटेन के टॉप 50 अस्पतालों को लगाया गया है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। साउथ कोरिया अपने देश के 40 मिलियन लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन खरीदेगा, जिसके लिए सरकार ने एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की कंपनी जेंसन के साथ करार किया है। वहीं बाकी 10 मिलियन लोगों के लिए WHO के प्रोजेक्ट कोवैक्स के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे फ्रांस ने साफ कर दिया है कि 15 दिसंबर को लॉकडाउन हटाए जाने की कोई संभावना नहीं है। फ्रेंच हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि फ्रांस ने बहुत मुश्किल वक्त का सामना किया है, अब हालात काबू में आ रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन हटाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। कोरोना वैक्सीन पर प्रेसिडेंट ट्रंप को एक बार फिर तगड़ा झटका लगा है। वैक्सीन सबमिट में बड़ी दवा निर्माता कंपनी फाइजर मॉडर्ना ने शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप पर वैक्सीन सबमिट के जरिए क्रेडिट लेने का आरोप है। कोरोना के आंकड़ों पर चीन के वैज्ञानिक ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। चाइनीज वैज्ञानिक का कहना है कि कोरोना के दस्तावेज लीक हुए थे, वहां शहर के आंकड़े छुपाने की कोशिश हुई थी। पत्रकारों को भी कम आंकड़े बताने के निर्देश दिए गए थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।